नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 8 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं क्वेश्चंस दिखाते जाऊंगा, पोस्ट करके पढ़िएगा, बाद में हम देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए और एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 4, 5। फ्रांस नहीं है दोस्तों। दोस्तों सुबह ये न्यूज आया था, इंडिया जॉइन द एलाइड ग्रुप रशिया चाइना यूएस आफ्टर सक्सेसफुली कंडक्टिंग फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनियस डेवलप्ड HSTDV। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, इंडिया ने HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल टेस्ट किया है, कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया है। एक गलतफहमी मत रखिए, ठीक है। एक व्हीकल है जिसको लॉन्च किया है, अब आगे मिसाइल इसमें यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये लोग पढ़ सकते हो, आप सुनिए आप लोग पहले। देखो HSTDV एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल है। हाइपरसोनिक मतलब कितना है, Mach 6 होता है। Mach 6 मतलब मैक स्पीड, इसी को बोलते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है। वैसे स्पीड ऑफ साउंड है दोस्तों 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से स्पीड्स को डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, ठीक है दोस्तों। सबसोनिक मतलब जो Mach 1 स्पीड ऑफ साउंड से जो नीचे है, सुपरसोनिक मतलब Mach 1 से लेके Mach 5 तक जो स्पीड है उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, और Mach 5 Mach 6 इससे एबो जो होता है उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो जो HSTDV ये हाइपरसोनिक स्पीड में जाएगा, मतलब Mach 6 स्पीड में जाएगा। दोस्तों इसमें यूज हुआ है स्क्रैमजेट इंजन। नॉर्मली ऐसे हाइपरसोनिक जितने भी व्हीकल्स है उसमें स्क्रैमजेट इंजन ही यूज होता है। जो इसमें स्पेशलिटी क्या है, जो स्क्रैमजेट इंजन है ये हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट दोस्तों। तो इधर ये पर्टिकुलर सीन में क्या हुआ, इसमें जो ये HSTDV को लॉन्च किया अग्नि मिसाइल लॉन्चर से, ठीक है, जो अग्नि मिसाइल है हमारे इंडिया का उसकी लॉन्चर से। नॉर्मल अग्नि मिसाइल लॉन्चर में क्या होता है, ऊपर उसका वारहेड होता है। तो इसमें क्या किया, ये वारहेड को निकाल के HSTDV को लगा दिया और लिफ्ट ऑफ करा दिया गया, ठीक है दोस्तों। 30 किलोमीटर ऊपर तक गया, तब गया जो सुपरसोनिक स्पीड में गया, ठीक है दोस्तों। तो 30 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद इसका जो वेंट जितने भी है ओपन हो गया और रैम एयर, जो एयर है उसको इनटेक किया, और एयर इंटेक होके ऑलरेडी सुपर सोनिक स्पीड में था, तो जो एयर उधर 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड में इंटेक हो गया और वो हाइड्रोजन फ्यूल के साथ मिक्स हो गया, फिर कंबशन हो गया, फिर ये हाइपरसोनिक स्पीड में चला गया, ठीक है दोस्तों। तो यही हुआ है HSTDV जो ये टेक्नोलॉजी के साथ हाइपरसोनिक स्पीड अटेन कर पाया, मतलब Mach 6 स्पीड। तो यही है, तो ये जो टेस्ट हुआ है सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, DRDO ने बोला है 100% सक्सेसफुल था। तो इसमें और क्या क्या यूज होता है आगे इन फ्यूचर, ये जो HSTDV के अंदर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है, और जो सैटेलाइट से उसको लॉन्च कर सकता है इसमें, इसकी सहायता से, ठीक है, यही सब इसके एप्लीकेशन होगा। और जो वाट आर द सैलियंट फीचर्स ऑफ HSTDV, ये तो लिखा हो, ये 1 मेट्रिक टन का है, लेंथ 5.6 मीटर का है, ये सब लिखा हो, यह पढ़ सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। आपको एक छोटा सा आइडिया लगा पता चल गया होगा कि ये HSTDV क्या है और उधर क्या हुआ था, न्यूज में क्या बोला गया था, राइट दोस्तों। अगर इसके बारे में और अच्छी तरह से समझाने में अलग से एक PPT बनाऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों हमारा आंसर है 1 और 3 ओनली, मतलब स्टेटमेंट 2, द मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम MCIPS launched in 2012 provides capital subsidy of 50% for electronic industry located in non-special economic zone areas and 25% for those in special economic zone areas. ये गलत है। देखते हैं दोस्तों, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज द
वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड इज इंक्रीजिंगली फाइंडिंग एप्लीकेशन इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस, इस तरह के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जनरल स्टडीज पेपर में, ठीक है दोस्तों। मेंस के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो जितने इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में या जो ग्लोबल सिनेरियो के बारे में आपको पता है वो सब कोट करना चाहिए, मेन सैलिएंट पॉइंट्स। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट अटैचेस हाई प्रायोरिटी टू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बोथ मेकिंग इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एज वेल, ESDM, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद वेरियस कंट्रीज ट्रेडिंग ब्लॉक सच एज ASEAN, कोरिया एंड जापान। अब देखो द मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम 2012 में लॉन्च हुआ था, उसमें कैपिटल सब्सिडी 25% इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए मिलेगा, वो भी अगर नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर नहीं है तो उसको 25% मिलेगा और 20% मिलेगा अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो, राइट दोस्तों। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इधर गलत हो गया। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू $2 trillion इन 2017 और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज फ्रॉम इंडियन नेशनल रुपीज 1,90,366 crores टू 387,525 crores, तो डबल हो गया बेसिकली। और कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है वो 26.7% है एस अगेंस्ट ए ग्रोथ रेट ऑफ 5.5%, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ये मेजर पॉइंट्स बताया हूँ, उसके बारे में पूरा गजेट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, इसके बारे में भी मैं एक अलग सा PPT बनाऊंगा बाद में, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सो आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। इसका मतलब है स्टेटमेंट 3, कंट्रीज दैट डू नॉट फॉलो विद इन द टॉपिक्स कैन नॉट जॉइन द अलायंस, ये गलत है। देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज इनिशिएटेड बाय इंडिया, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज। देखो दोस्तों, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में सबसे ज्यादा सनशाइन मिलता है, ये हमें पता ही है, राइट। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी इधर आता है। तो द प्राइमरी, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलायंस इज टू वर्क फॉर एफिशिएंट एक्सप्लोइटेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स में डिपेंड नहीं कर सकते, और सबसे अच्छा तरीका इसका है सोलर एनर्जी को मैक्सिमम यूज करो, राइट। तो इनिशिएटिव फर्स्ट प्रपोज किया किसने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में, ठीक है। उन्होंने जो सनशाइन कंट्रीज को सूर्यपुत्रा नाम से पुकारा, सूर्यपुत्रा, राइट, सन्स ऑफ द सन, जो भी है। द अलायंस इज ए ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स, देखो वैसे इसमें कंट्रीज वही इंक्लूडेड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, या ये दोनों रेंज को जो जरा सा भी टच हो रहा हो उसी कंट्रीज है। पर इसमें क्या लिखा है, अगर ऐसा नहीं है कंट्रीज, ज्योग्राफिकल लोकेशन कंट्रीज का अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या नीचे है, तब भी ये ज्वाइन कर सकते हैं एंड एंजॉय ऑल बेनिफिट्स एज अदर मेंबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट्स, या वोटिंग राइट्स नहीं होगा पर आप मेंबर बन सकते हैं, या आपको सारे फैसिलिटीज सारी सुविधाएं मिलेंगे। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इट इज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स वर्ल्ड वाइड, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे बड़ा ग्रुपिंग ऑफ नेशंस है ये। इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय PM मोदी एट द इंडिया अफ्रीका समिट एंड ए मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज हेड ऑफ द 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन नवंबर 2015। कुछ और डिटेल्स लिखा हूँ, पढ़ लेना। तो जो मेन है आपको बता दिया, तो और आंसर इस तरह 1 and 2 ओनली है। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स है, आगे जो एडवर्टाइजमेंट्स आएगा कोई भी प्रोडक्ट्स को मार्केट करेगा तो उसके लिए परमानेंट गाइडलाइंस होगा, वो गाइडलाइंस को तोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए ऑलरेडी ड्राफ्ट गाइडलाइंस इश्यू किया है। शॉर्टली जो मेन गाइडलाइंस है वो भी निकलेगा, राइट। तो जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस में, इसमें चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या क्या है। सबसे पहले एंडोर्समेंट ऑफ सेलिब्रिटीज थ्रू ब्लॉग्स पोस्ट एंड ट्वीट शुड बी बेस्ड ऑन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। नॉर्मली
जो एडवर्टाइजमेंट कोई सेलिब्रिटीज आता है, कोई क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, कोई एक्टर, म्यूजिशियन, ऐसा आता है, ये बोला है इट इट शुड बी बेस्ड ऑन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं उनको पता ही नहीं, ठीक है, कोई क्रिकेटर आ गया, कोई म्यूजिशियन आ गया, कोई एक्टर आ गया, उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया, जो डायरेक्टर ने लिख के दिया वो बोल दिया। ऐसा नहीं, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, डिस्क्लेमर्स इन एडवर्टाइजमेंट इन स्मॉल फॉन्ट साइज। देखो ये क्या लिखा है दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जो हाँ काम की चीज़ है, तो कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से जो काम की चीज़ है वो छोटे फोन में दिखाते हैं, हम देखते भी नहीं, हम ध्यान भी नहीं देते उसमें। जो मेजर उनका एडवर्टाइजमेंट पार्ट है वो बहुत बड़े अक्षरों में दिखाते हैं, और जो काम की चीज़ है वो छोटे अक्षरों में दिखाते हैं, छोटे फोन्स में दिखाते हैं, हम देखते भी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सब एक फोन में होना चाहिए। ये नहीं चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है ये छोटे में लिख दिया, मतलब इस प्रोडक्ट में ये ऐसे इतने केमिकल से, इतने प्रसर्वेटिव से, ऐसे वो लोग छोटे अक्षरों में दिखाते हैं, ठीक है, हमें इसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम ही नहीं चलता है, राइट। तो ये सब अभी सेम फोन में होगा। तीसरा, डिस्क्लेमर ऑफ दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड थ्रू वॉइस ओवर, देन द डिस्क्लेमर शुड बी डिस्प्लेड इन सिंक विद। वॉइस ओवर नहीं चलेगा, किसी की आवाज़ अगर आ रही है एडवर्टाइजमेंट में उसका डिस्प्ले होना चाहिए और सिंक होना चाहिए, डब करेगा, और ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलते रहेगा, कौन बोल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। अगर कुछ बोल रहा है कोई भी सेलिब्रिटी, उसकी आवाज आ रहा है, तो उसकी डिस्प्ले भी होना चाहिए, उसकी लिप सिंक भी होना चाहिए, मतलब हम अगर देख रहे हैं कोई एडवर्टाइजमेंट, तो हमारे लिए वो सेलिब्रिटी बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एन एडवर्टाइजमेंट शुड डिक्लेयर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस एज फ्री और विदाउट चार्जेस एंड सिमिलर अदर टर्म्स, ठीक है, फ्री के बारे में बोला ये। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। इट विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर बाई ट्रैकिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है, ठीक है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी तो लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अथॉरिटी विल इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कोई डेंजरस गुड्स है उसको रिकॉल करना, 10 लाख तक पेनाल्टी और इम्प्रिसमेंट अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया या कोई मैनिपुलेशन किया, ये सब चीज में, ठीक है, ऐसे बहुत सारा लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इज टू बी सेटअप इन वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद कैनेडा, इट इज टू बी द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनियन टेरिटरी, विच इज द यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, तो इधर एक प्रोजेक्ट होने वाला है कैनाबिस प्लांट। कैनाबिस प्लांट मतलब जो गांजा का प्लांट होता है, ठीक है, मरिजुआना भी बोलते हैं, उससे मेडिसिन बनेगा, वैसे वो मेडिसिनल यूज बहुत है, ठीक है, कैनाबिस प्लांट का। तो ये प्रोजेक्ट कनाडा के क्या एक कैनेडियन कंपनी के साथ कोलाबरेशन है, राइट। वैसे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है और अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑल्सो रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क इन कथुआ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, कथुआ में एक न्यू बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क भी आने वाला है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज टू बी फर्स्ट इन द कंट्री, ये कंट्री में सबसे पहला यूनियन टेरिटरी होगा जो कैनबिस प्लांट से मेडिसिन बनाने वाला एक कंपनी होगा। एक 1961 का सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है दोस्तों, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसमें कैनबिस को हार्ड ड्रग में काउंट होता है। वैसे ड्रग्स जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बहुत डेंजरस होते हैं, उसको हार्ड ड्रग्स बोलते हैं, और जो लेस हार्मफुल है इसको सॉफ्ट ड्रग्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच इंडियन स्टेट इज द रीजियन स्वाभिमान अंचल लोकेटेड, आंसर इज ऑप्शन ए ओडिशा। दोस्तों स्वाभिमान अंचल मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, ओडिशा में, आज भी न्यूज में है क्योंकि उधर अभी मोबाइल नेटवर्क आ रहा है, इससे पहले उधर मोबाइल नेटवर्क की सुविधाएं नहीं था, वो भी आ रहा है, और पहले न्यूज में इसलिए था ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था जो मेन लैंड ओडिशा से, ये जो छोटा सा आइलैंड जैसा एरिया है उधर एक ब्रिज कनेक्ट किया था, इसका नाम था गुरुप्रिया ब्रिज, ठीक है दोस्तों। तो ये एरिया के बारे में थोड़ा बोलता हूँ, देखो दोस्तों ये जो एरिया है स्वाभिमान अंचल, इधर माओइस्ट अटैक्स भी होते थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बहुत ज़्यादा होता था, इस एरिया को कट ऑफ एरिया बोलता था, क्यों, इसको तीनों साइड पानी है और एक साइड में फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है। वैसे इधर ये जो एरिया में कनेक्टिविटी बहुत कम था, तब जाके 2018 में एक ब्रिज बना था गुरुप्रिया ब्रिज, ताकि वो मेनलैंड से कनेक्ट हो गया था, फिर बस सर्विस स्टार्ट हो गया, ये सब हो गया, उससे पहले नॉर्मल नाव से बोट से आते जाते थे, फेरी सर्विस होते थे, राइट दोस्तों। अब ये जो स्वाभिमान अंचल में
मोबाइल नेटवर्क की सुविधाएं दिया गया, इसलिए आज न्यूज में है ये। अब और एक इंफॉर्मेशन, बालीमेला सर्वे इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द रीजन, ठीक है। रिसेंटली ए न्यू पुलिस स्टेशन ऑल्सो स्टार्टेड फंक्शनिंग इन जोधमपुर, मतलब एक ग्राम पंचायत इन स्वाभिमानंचल। तो दोस्तों बालीमेला सर्वे के बारे में ध्यान रखो, ये स्वाभिमानंचल में, और स्वाभिमानंचल मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट में, और मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी ऑफ द राफेल फाइटर जेट्स इज गोइंग टू हेल्ड एट अंबाला एयर फोर्स स्टेशन ऑन सेप्टेंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्वाड्रन विच इन विच राफेल ऑपरेट्स। तो दोस्तों आंसर है गोल्डन एरोस, यह है गोल्डन एरोस का लोगो। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जो राफेल एयरक्राफ्ट है यह ऑपरेट करेगा अंबाला एयरफोर्स बेस से। अब अंबाला एयरफोर्स बेस जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे स्क्वाड्रन है, एक एक स्क्वाड्रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगा। वैसे जो राफेल है वो ऑपरेट करेगा गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, राइट, नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन बोलते हैं उसको पूरा नाम। इस स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन इन अंबाला एयरफोर्स एज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड में आते हैं। द स्क्वाड्रन वॉज नंबर प्लेटेड इन 2016 बट वॉज रीसर्कल इन अंबाला ऑन 11 सितंबर 2019 विद डसो। क्वेश्चन नंबर 8, वेर इज सादिकपुर सिनोली एन एंशियंट साइट विद चैरियट्स स्वॉर्ड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स पॉइंटिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ए वॉरियर क्लास अराउंड 4000 ईयर्स अगो लोकेटेड। आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों ऐसे एंशियंट साइट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में मैं पहले भी बताया हूँ आपको, जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वैसे सादिकपुर सिनोली भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखो दिस कुड बी डिक्लेयर एज ए साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स मॉन्यूमेंट्स और साइट्स एज प्रोटेक्टेड एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ऐसे डिक्लेयर करता है प्रोटेक्टेड एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगरी में कुछ साइट्स को, तो ए भी डालने का चांस है अभी, ठीक है। एक एक्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का। अब सिनोली कहाँ है, भागपत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। ब्रॉन्ज एज चैरियट्स के लिए फेमस है, और इसका एक लोकल लेजेंड्स ये कहानी बोलते हैं एक बहुत पुराना, कि कृष्ण भगवान ने कौरवों के साथ नेगोशिएट किया था कुरुक्षेत्र वार नहीं होने के लिए, पर ये अनसक्सेसफुल रहा, कुरुक्षेत्र हो गया। एक्सकवेशन वेर कंडक्टेड बाई ASI 2005-06, ठीक है। सनोली सिमेट्री बिलोंग टू लेट हरप्पन फेस, लेट हरप्पन फेस में सनोली सिमेट्री है, राइट। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है सनोली सिमेट्री कहाँ है, ठीक है। तो राइट, हम उत्तर प्रदेश में पता चली गया हमें, तो और भी कुछ डिटेल्स लिखा हो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो द आंसर इज बोथ 1 and 2। दोस्तों ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा है, होगा मतलब सितंबर 7 को था, ये हो गया, ये फर्स्ट एवर था, और ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू होल्ड एन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑन December 19, 2019। तो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ December 2019 को, तो पहला होना ही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। वैसे दोस्तों इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखा हूँ, क्या है बेसिकली, क्या क्या है, पब्लिक अवेयरनेस रेज करना है, ठीक है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, प्रमोट एंड फैसिलिटेट सॉल्यूशंस को ढूंढ निकालना है एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स इंटरनेशनल एक्टर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ एक अंबरला के नीचे लाना है, ताकि एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काम करेगा। और लिखा है UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया December 19, 2019 में, ठीक है, और इंटरनेशनल डे September 7 को सेलिब्रेट करेगा, राइट। ये सब इंफॉर्मेशन है, तो और आंसर इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 10 एंड आवर फाइनल क्वेश्चन, सराउंडिंग द हिल्स आर 7 पीक्स ऑफ शेषाचलम रेंज ईस्टर्न घाट्स, नेमली शेषाद्री, नीलाद्री, गरुडाद्री, अंजनाद्री, वृषभद्री, नारायणाद्री एंड वेंकटाद्री, अबाउट विच फेमस टेम्पल इन साउथ इंडिया यू कैन रिलेट दिस स्टेटमेंट। दोस्तों आंसर इज लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति। तिरुपति टेम्पल के बारे में, तिरुपति टेम्पल तिरुमला में है, तो तिरुमला सप्तगिरी भी बोलते हैं, सप्तगिरी मतलब सात हिल्स सराउंड करते हैं टेम्पल को। तो ये फोटो है दोस्तों, वेंकटेश्वर टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल सिचुएटेड इन द हिल टाउन ऑफ तिरुमला एट तिरुपति चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। दोस्तों बहुत फेमस टेम्पल है, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू वेंकटेश्वर ए फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु भगवान के एक अवतार, ठीक है। हु इज बिलीव्ड टू हैव अपीयर्ड हियर टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम ट्रायल्स एंड ट्रबल्स ऑफ कलियुगा, राइट। कलियुगा में जो ट्रायल्स होगा, जो दुविधाएं होगा, इसे बचाने के लिए इधर ये जो तिरुमला तिरुपति टेम्पल में आया है, ऐसे बिलीव करते हैं। तिरुमला हिल्स आर पार्ट ऑफ शेषाचलम हिल्स रेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेषाचलम हिल्स रेंज।
हिल्स आर 853 मीटर्स अबोव द सी लेवल, हिल्स कंप्रेस सेवन पीक्स रिप्रेजेंटिंग द सेवन हेड्स ऑफ आदिशेषा, एक बिलीफ है राइट, ये सेवन हिल्स भगवान का सात ऑर्गन्स को डिपिक्ट करते करके, द टेम्पल लाइज ऑन द सेवन पीक वेंकटाद्री, वेंकटाद्री में टेम्पल है, ऑन द सदर्न बैंक्स ऑफ श्री स्वामी पुष्करणी ए होली वाटर टैंक, हेंस द टेम्पल इज ऑल्सो रेफर टू अस टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स, द टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स तिरुपति तिरुमल बालाजी टेम्पल है। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे, उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए, आप लोगों की मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम एनालिसिस करेंगे आप लोग कितनी इंप्रूव हो रहा है, और इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस पीपीटी के बारे में या क्वेश्चन के बारे में कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे मेरे से पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thank you again.